30/11/2024 को रामलीला मैदान के लिए उत्साह, उमंग और तैयारी, अपने न्यायिक हक को लेकर और 5 नंबर वाले के अत्याचार के खिलाफ दिखाया गया, उसके लिए अटल जनशक्ति पार्टी आपको धन्यवाद करता है। आपके तैयारी का जो खुफिया रिपोर्ट पूरी दिल्ली में, दिल्ली के थानों के द्वारा, सीबीआई और के द्वारा, स्पेशल ब्रांच और के द्वारा, उपराज्यपाल दिल्ली को मिला, मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, परिवहन आयुक्त को मिला, और जो खुफिया रिपोर्ट था जो कम से कम 30-40 हज़ार बैटरी रिक्शा वाले रामलीला मैदान में 5 नंबर वालों के खिलाफ पहुंच रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और ज्ञापन उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, परिवहन आयुक्त को, परिवहन मंत्री को देंगे। इसमें जो हमारे पास 16 फरवरी 2022 से 30/11 2024 तक के जो सबूत थे, जो सरकारी सबूत था, उस सबूत में उपराज्यपाल नंगा बेपर्दा होते, मुख्यमंत्री बेपर्दा होती, परिवहन आयुक्त बेपर्दा होते, 5 नंबर वाले बेपर्दा होता और केंद्र सरकार भी बेपर्दा होता। तो ये आवाम के बीच जो ये बेपर्दा होता, चूँकि 30-40 हज़ार आदमियों की भीड़ को कवरेज देश के विदेश के बड़े बड़े मीडिया, सभी मीडिया करते, ये पूरी तरह से विश्व लेवल पर 30/11/2024 की रामलीला मैदान का संवाद मैसेज जाता। और इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो बेपर्दा होने की बात सामने आ गई, तो ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, इनके पास में कोई रास्ता नहीं था, इनके पास में रास्ता था बम्बा महाराज नौटिया को किसी न किसी प्रकार रामलीला मैदान आने से रोक देना। तारीख को हमारा रामलीला मैदान में 11 बजे से जनसभा हुआ और 29 तारीख की 10 बजे रात को हमें ACP सुनील जी कमला मार्केट के द्वारा यह कहा जाता है, जो बिल्कुल ही आपको कोई अनुमति हम यहाँ आने की नहीं देंगे, हम आप लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज करेंगे। ये जो पुलिस वालों ने अपनी डंडा पार्टी का परिचय दिया है, जो संविधान को, कानून को, लोकतंत्र को अपने हाथ में लेकर रौंदा है, ये बहुत ही घृणित प्रयास किया है, इसकी अटल जनशक्ति पार्टी घोर निंदा करता है। और आप लोगों से भी पुलिस के इस रवैये की घोर निंदा करने की अपील करते हैं। हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक 5 नंबर वालों का आतंक हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाएगा, हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक सभी बैटरी रिक्शा वालों को कैंप लगाकर, जिसको नंबर नहीं है उसको नंबर दे दिया जाएगा, और जो फिटनेस का और हर प्रकार का जो किसी भी प्रकार का सबूत वगैरह की ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की बातें हैं, जो समस्याएं हैं, इसको एक बार कैंप लगाकर सबको नए सिरे से पिछली सभी चीज़ों को समाप्त कर नए सिरे से फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, मोटर वाहन अधिनियम 1988 से जब तक बैटरी रिक्शा वाले को बाहर नहीं कर दिया जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बैटरी रिक्शा वालों को वैधानिक मान्यता, सरकारी मान्यता दिलाने की नीति पर काम कर रहे हैं, जो जैसा कि हमने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो हमारी वो कार्रवाई कल 1-2 बारह को होगी। हम आदरणीय AP सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलकर राय लेकर और उनको अपॉइंट करके हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी करेंगे। हम कल का भी अपडेट आप लोगों को शेयर करेंगे, जो भी हमने कोई कार्रवाई कल करेंगे वो भी हम आपको शेयर करेंगे। इसके साथ
हर लड़ाई में साधन की बहुत अहम भूमिका है। हमारे पास आप लोगों की ओर से, बैटरी रिक्शा वालों की ओर से साधन के नाम पर सिर्फ ना के बराबर कोई भी साधन मदद के तौर पर दिया गया है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी के पास में कोई बहुत बड़ा कोष नहीं है, कोई फंड नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई हम किसी भी प्रकार अपने दम पर खींच रहे हैं। अब ज़रूरत आ गया है आपके सहयोग की, आपको भी अपना शेयर हमारी लड़ाई में देना होगा। इसलिए हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं, कल आदरणीय आई पी सिंह जी से बात करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की आगे की मूवमेंट के बाद जो भी गतिविधि होगी हम आपको शेयर करेंगे। उस हिसाब से आप भी अपनी लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मिलकर हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर मिलकर लड़ाई लड़ें। हम इसको 10-15 दिन के दरमियान इस लड़ाई को जीत लेंगे और परमानेंट अस्थायी तौर पर बैटरी रिक्शा वालों की समस्या का समाधान कर देंगे।